और वो डिश उन मियाओं के लिए है जिनकी माओ बिलियां आजकल मेके गई हुई हैं। हल्की सी हाथ को सिर्फ लगाने की देर है और आप इसकी ये देखें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसको आपने जरूर ट्राई करना है और मुझे बताना है इसकी वजह से बेगम कितने दिन मेके में ज्यादा लगा। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे से इसके ऊपर ग्लोबल जो है नक्शे बनना शुरू हो गए। तो जी कवारों की चटनी रेडी हो गई जी। ये देखे आलू फुल अंदर से बेक हो चुका है और बच्चे इसको बड़े मजे से लेके खाते हैं। मेरा कवारा चरगा रेडी है और हम इसके ऊपर हल्की सी गार्निशिंग करेंगे और फिर इसको सर्व करेंगे अपने दोस्तों को। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम माय लवली फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरोफियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरोफियत के साथ हैं। तो जी आज मेरी बेगम ने कोई 25 बार मुझे कहा कि बाहर चलें, बहुत प्यारा मौसम है, बहुत प्यारा मौसम है। इसके पीछे भी एक पूरी स्टोरी है, वो ये कि मेरा और मेरी बेगम का ये एग्रीमेंट है कि जिस दिन मौसम खूबसूरत होगा, सुहाना होगा, बादल आए होंगे, बारिश हो रही होगी या ठंडी हवा चल रही होगी, उस दिन खाना मैं बनाऊँगा और उसके अलावा बाकी दिनों में खाना हिरा बनाएगी। तो जिस दिन से ये एग्रीमेंट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौसम धूप वाला ही रहा। लेकिन आज मेरी किस्मत मुझे चक्कर में ले आई क्योंकि छुट्टी भी थी, फ्राइडे का दिन था और उसके साथ साथ हमारे मौसम भी बहुत खूबसूरत हो गया। बारिश अभी स्टार्ट नहीं हुई लेकिन होने वाली है और बेगम साहबा थोड़ी थोड़ी देर के बाद आती हैं और आके कहती हैं अदील चले बाहर, बहुत प्यारा मौसम है बाहर, एक दफ़ा देखें तो सही। मैं भी बार बार ये कह रहा था कि नहीं, बहुत अभी गर्मी है बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत प्यारा मौसम है। तो जी आज मैं एक प्यारी सी डिश बनाने लगा और वो डिश उन मियाओं के लिए है जिनकी माओ बिलियाँ आजकल मेके गई हुई हैं और वो अपने घर में अकेले हैं और कुछ बनाना भी चाहते हैं और मज़े का बनाना चाहते हैं। तो बेशक आप अपने दोस्तों को इन्वाइट कर लें और उनको ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी खिलाएं। आप क्या आपके दोस्त भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे और ये दुआ करेंगे कि आपकी बेगम कुछ दिन और मेके रह ले। तो आप भी मेरे साथ इस चीज़ को एंजॉय करें, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आपने ये तो बताया नहीं आप बनाने क्या लगे हैं। मैं बनाने लगा हूँ बग़ैर ऑयल के, बग़ैर स्टीम के, बग़ैर फ्राई किए हुए एक बेहतरीन सा चरगा और ऐसा चरगा आपने शायद इससे पहले कभी ट्राई नहीं किया होगा। और उसके साथ एक और भी चीज़ होगी वो आपको रेसिपी में पता लगेगी। और बारिश भी शुरू हो गई। बारिश, या अल्लाह आज ही बारिश। तो जी यहां पे हमने लिया है एक बहुत ही खूबसूरत सा, हसीन सा, प्यारा सा चरगा और इसका वेट है 1200 ग्राम जो एक किलो से कुछ थोड़ा सा ऊपर है। और अब हम इसको कटिंग करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको डीप कट लगाना है ताकि इसके अंदर मसाला जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो जज्ब भी हो जाए। और इसी तरीके से हम इसकी दूसरी साइड को कट लगा लेंगे। और इसी तरह हम इसकी थाइस के ऊपर जो है वो लेग के ऊपर थोड़ा हल्के हल्के से, बिल्कुल लाइट लाइट से, ताकि उनके अंदर भी मसाला जो है वो धस जाए। तो अब हम लेते हैं एक बाउल जिसके अंदर इसको हम अच्छे तरीके से डबो सकें, इसकी स्विमिंग करा सकें। तो यहां पे हम इसको उठाते हैं और इस बाउल के अंदर हम इसको इस तरीके से लिटा देते हैं जैसे सन बात करने के लिए। अब इसके अंदर हम डालेंगे जी 6 टेबल स्पून ये सिरका मैंने ले लिया है, इसको इसके अंदर डाल देंगे। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने नमक ले लिया है, ये इसमें डाल देंगे। और 1 टेबल स्पून ही इसमें हमने लहसुन का पेस्ट है वो ले लिया है, ये इसके अंदर हम डाल देंगे। और अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे और पानी इतना डालना है जिसके अंदर ये अच्छे तरीके से डिप हो जाए। इसको हमने आधे घंटे के लिए मिनिमम जो है ना वो डिप करके रखना है। अगर आपके पास ज्यादा टाइम हो तो आप इसको 1 घंटे के लिए भी डिप करके स्विमिंग करवा सकते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको बता दूं क्या करना है। जी आधा घंटा हो चुका है हमें इसको डिप किए हुए
और ये देखें आप, इसका कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है और ये बहुत ही सॉफ्ट सा भी हो गया। तो अब हम इसके पानी को ड्रेन कर लेंगे। इसका हमने पानी ड्रेन कर लिया और इसको हमने वॉश नहीं किया, तो अब हम इसकी मैरिनेशन तैयार करते हैं। तो जी अब हम बनाने लगे हैं इसका बहुत ही मजेदार किस्म का मैरिनेशन। इस मैरिनेशन से इस चरगे की शान और आन और बान तीनों चीजें बढ़ जाएंगी और हम इसको खाएंगे भी इसी शान आन और बान के साथ। तो चलते हैं अपने मैरिनेशन की तरफ। मैरिनेशन में सबसे पहले क्या आती है, अदरक और लहसुन की पेस्ट। ये मैंने डाला है जी 1 टेबल स्पून, इसको हम डालेंगे। 2 टीस्पून नमक इसके अंदर हम ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च पिसी हुई ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ही हम इसमें खुश्क धनिया पिसा हुआ ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ही हम इसमें जीरा पाउडर ऐड करेंगे पिसा हुआ, और 1 टीस्पून ही हम इसमें गरम मसाला पिसा हुआ पाउडर ऐड करेंगे। यहां पे मैं 3 टेबल स्पून चिकन टिक्का मसाला लेने लगा हूं, आप किसी भी ब्रांड का ऐड कर सकते हैं। और इसके कलर को खूबसूरत बनाने के लिए 1/2 टीस्पून इसके अंदर मैं हल्दी पाउडर ऐड करूंगा। 2 टेबल स्पून सफेद सिरका लिया है, इसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया है और वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो जी हमारी जबरदस्त किस्म की मैरिनेशन रेडी है। अब हम मैरिनेशन को थोड़ा सा साइड पे करेंगे क्योंकि हमने कवारे मुर्गे की सेज बनानी है। और ये देखें जी हमारा ये मुर्गा शरीफ आ गया, बिस्मिल्लाह। और यहां पे हम रखेंगे इसको और अब हम इसके ऊपर आराम आराम से अब मैरिनेशन को लगाएंगे और फिर मैं अपने हाथों का इस्तेमाल शुरू करूंगा और हम इस तरीके से इसके तमाम कट्स के अंदर अच्छे तरीके से मसाले को लगा देंगे। तो जी आपने तमाम कट्स के अंदर अच्छे तरीके से, इसके पेट के अंदर भी अच्छे तरीके से, इसकी गर्दन ये एहतियात से क्योंकि इसके टूटने का डर होता है, यहां पे भी आपने मसाले को अच्छे तरीके से, बल्कि हीरा हंस रही है कि मेरे सारे हाथ को उतना मसाला तो मुर्गे को लगा जितना मेरे हाथ को लग गया। तो कोई बात नहीं, ऐसा होता है जब आप काफी अरसे के बाद कुकिंग करें तो ऐसा ही होता है। तो जी ये देखें सारा मसाला लग गया है और मेरा ये चरगा अब रेडी है और अब हम इसको दोबारा इसके अंदर रख देंगे। और इस मैरिनेशन के बाद आपको कम से कम आधा घंटा और अगर आपके पास ज्यादा टाइम हो तो इसको 2 घंटे के लिए जरूर रखें, इसके बहुत जबरदस्त रिजल्ट आएंगे। जी बेगम ने कहा कि चरगा बनाएंगे और अपने दोस्तों को बगैर चटनी के खिलाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं आज आपके साथ एक बहुत मजेदार किस्म की चटनी भी शेयर करता हूँ, इसको भी आप बहुत इजीली घर में बना सकते हैं। तो चलते हैं अपनी चटनी की तरफ। यहाँ पे मैंने ले लिया एक अपने साइज का खूबसूरत सा टमाटर, यहाँ पे मैंने एक खूबसूरत सा टमाटर ले लिया है और एक छाननी जिसे हम ऑयल से चिप्स वगैरह या दूसरी चीजें फ्राई करने के लिए निकालते हैं। और यहाँ पे मैंने फ्लेम को मीडियम फ्लेम के ऊपर ऑन कर लिया और इसके साथ ही हम इसको थोड़ा सा तड़का देंगे बारबेक्यू टच का। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे से इसके ऊपर ग्लोबल जो है नक्शे बनना शुरू हो गए हैं। जी जैसे ही इसके अंदर खूबसूरत से नक्शे बनने शुरू हुए और कलर अच्छा सा आना शुरू हुआ है तो मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ 2 लहसुन की कलियां और उसके साथ 3 सब्ज मिर्चें और इनको भी हम प्यारा सा कलर देंगे। इसको आप इस तरीके से हिलाते जाएं और खूबसूरत सा कलर देते जाएं, जहां जहां से इसको तैयार करना है आपने, मेकअप करना है, इसको इस तरीके से घुमाते फिराते रहें। देखें इसके ऊपर बहुत प्यारे से खूबसूरत से रंग आ गए हैं, मार्क्स आ गए हैं। और अब हम अपने स्टोव को बंद करेंगे। तो जी यहाँ पे हमने एक चॉपर ले लिया है, आपको ग्राइंडर भी ले सकते हैं। तो जो मैंने बारबेक्यू किया हुआ था टमाटर, आप इसको बगैर छिलके के भी, इसका छिलका रिमूव भी कर सकते हैं पर मुझे छिलके के साथ ही पसंद है, ये इसमें डाल देंगे और मिर्ची और साथ ही लहसुन की कलियां इसके अंदर डाल देंगे। और उसके साथ मैंने यहाँ पे कुछ चीजें ली हैं, मैंने यहाँ पे 1 कप के बराबर पुदीना लिया है, इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश किया है और वॉश करने के बाद इसकी डंडियां मैंने उतार ली हैं। और इसके साथ ही मैंने 1 कप के करीब ही सब्ज धनिया लिया है और वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा, उसको भी मैंने अच्छी तरीके से वॉश करके इस तरीके से कटिंग कर ली है उसकी भी, और उसको भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा। और यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून नींबू का रस ले लिया है, लेमन जूस, और उसको इसमें ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून में इसमें जीरा साबित जीरा मैं ऐड करूंगा। 1/2 टीस्पून इसके अंदर मैं नमक ऐड करूंगा, ये हसबे जायका जैसा आपको पसंद हो। और अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। तो जी कवारों की चटनी रेडी हो गई, क्या मजेदार चटनी है, यकीन करें इसको आप टेस्ट करेंगे
आप भूल जाएंगे कि आपने इससे पहले इस किस्म की कोई चटनी खाई होगी। जी बहुत ही मजे की स्पाइसी खट्टी मीठी जो है ना वो हमारी चटनी जो है वो रेडी हो गई है। और अब इसके अंदर एक और चीज मैं ऐड करने लगा हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है लेकिन ये सेहत का राज भी है, और ये है जी ऑलिव ऑयल। और मैं इसके अंदर जो है ना वो एक टीस्पून के करीब ही ऑलिव ऑयल ऐड करूंगा और इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा और अब इसका टेस्ट और भी दुबाला हो गया। तो जी एक घंटा हो चुका है, हमने अपने चिकन को मैरिनेट होने के लिए रखा हुआ था और ये मैरिनेट हो चुका है माशाल्लाह। अगर आपके पास ज्यादा टाइम हो तो इससे ज्यादा रखा जा सकता है। और यहाँ पे हमने लिया है एक अदद प्रेशर कुकर बड़े साइज का, और आपके पास अगर इससे दरमियाना भी हो तो उससे भी काम चल सकता है। और यहाँ पे हमने, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को कोई भी मुश्किल काम करना पड़े और आप अपने किसी भी बच्चे की नोटबुक से रफ रजिस्टर से आप एक कागज़ ले लें और इसको इस तरीके से रखेंगे इसके अंदर, और फिर यहाँ पे हम एक और कागज़ रखेंगे इसके अंदर और फिर इस तरीके से, ताकि कागज़ की नीचे तले के साथ तय बन जाए। तो जी यहाँ पे आप इन कागजों की जगह पे बेकिंग पेपर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने जिनके पास बेकिंग पेपर नहीं है मैंने उनको भी एक तरीकाकार बता दिया कि आप बेकिंग पेपर की जरूरत नहीं है, उसके बगैर भी काम चलाया जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने सफेद नमक ले लिया है, सादा पिसा हुआ, आप कोई भी नमक लें, और आपने नमक की एक तह इसके अंदर बना देनी है नीचे जमीन पे। बहुत ज्यादा नमक की भी जरूरत नहीं होती बस, ठीक है। अब वो चीज जिसका मैंने आपको बताया था कि वो मैं आपको रेसिपी के दरमियान में बताऊंगा, तो वो है जी ये आलू। और ये आलू जो है, ये जनाब मैंने कुछ आलू ले लिए हैं और उनके कोई से वॉश कर लिया और उसको खुश कर लिया, ड्राई कर लिया, इनके ऊपर किसी किस्म की मट्टी वगैरह नहीं लगी हुई, और अब इनकी मैं यहाँ पे तह में इस तरीके से जोड़ दूंगा। तो ये बिल्कुल इजी है, आपको करने में भी कोई मुश्किल नहीं है और चीजें भी बहुत होती हैं। तो जी एक आलू मैं इसके सेंटर में रख रहा हूँ ताकि चरगा नीचे नमक को टच ना करे। चरगा शरीफ को हमने बिस्मिल्लाह ऐसे करके इसके अंदर ही ऐसे रख देना है आलूओं के ऊपर, ठीक है। इसकी कोई टांगे नहीं बांधी हमने, कुछ भी नहीं किया, और इसके अंदर कोई भी बाकी जो आप देखेंगे ये ऑयल वाला सारी चीजें इसमें से निकल गई है। जी ये जो मसाला बचा हुआ है इसको हम इसके ऊपर ऐसा ऐसा करके इस तरह से, ताकि ये बड़ा जूसी सा बन जाए। तो जी अब हम इसको ढक्कन लगाएंगे। यहां पे मैंने चूल्हे को फुल हाई फ्लेम के ऊपर रखा और हम ये लेकर आ जाएंगे अपना इसके ऊपर, और सिर्फ एक मिनट के लिए हमने हाई फ्लेम के ऊपर ताकि इसकी बॉडी गर्म हो जाए। तो जी मैंने इसको वेट लगा दिया, उसके बाद मैंने इसकी फ्लेम को मीडियम कर दिया, और अब हमने इसको 50 मिनट देने हैं पूरे, और 50 मिनट के बाद मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें से क्या निकलेगा। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 50 मिनट हो चुके हैं और मैंने इसको फ्लेम को बंद कर दिया था और स्टीम निकल चुकी है, और अब हम इसको खोलते हैं। बिस्मिल्लाह, वाओ माशाल्लाह, यहाँ पे देखिए बेहतरीन हमारा चरगा कवारा तैयार हो चुका है, और अब हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनको हम इसको सर्व करेंगे। तो जी मेरा कवारा चरगा रेडी है और हम इसके ऊपर हल्की सी गार्निशिंग करेंगे और फिर इसको सर्व करेंगे अपने दोस्तों को। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितना जूसी और सॉफ्ट बना है, हल्की सी हाथ को सिर्फ लगाने की देर है, और आप इसकी ये देखें क्या इसकी ये रेशा रेशा इसका जो है ना वो आराम से ऐसे, कोई ऐसी चीज़ नहीं, और फुल अच्छे तरीके से, और इसका टेस्ट आहा, मैं आपको चेक कराता हूँ। बिस्मिल्लाह, और उसके साथ जो मेरी चटनी है क्या बात। तो जी ये देखें आलू आहा, फुल अंदर से बेक हो चुका है और बच्चे इसको बड़े मजे से लेके खाते हैं, आप भी इसके ऊपर चटनी लगा के खाएंगे तो बहुत मजेदार। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आपने मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस रेसिपी को कैसे ट्राई किया और इसका क्या रिजल्ट निकला, और अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप मुझे दुआएं देंगे। और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखें, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।